पतले होने के लिए आप में से जिन्होंने मेरी एडवाइस ली है इतने एक्चुअली बहुत सारे लोग पतले हुए हैं क्योंकि मैं आपको जो उसके बता रहा हूं। उसमें आपको खर्चा नहीं करना जिम नहीं जाना आपके ना पैसे लगेंगे आप अप, अपने आप अप घर बैठे ये कर सकते हो मैंने आपका कल एक एक वीडियो मैंने डाला था बट हाउ वन यू स्टार्ट डूइंग वाटर फास्टिंग आपकी जो बेनिफिट्स होती हैं आपकी हेल्थ में बहुत ज्यादा होती है नमस्ते अगर आपने वो वीडियो देखा है अमेजिंग अगर नहीं देखा है तो मेरा नाम है पारस तोमर आई एम एन एक्सपर्ट आई एम स्किन केयर गुरु मैं आपको आज बताने वाला हूँ फास्टिंग इज ग्रेट फॉर यू एज अ प्रोटोकॉल आज के वीडियो में आई वॉन्ट टू टेल यू अगर आप ऑलरेडी इंस्पायर्ड हो गए कि आप फास्टिंग करना चाहते हैं एज अ वे टू लूज वेट एज अ वे टू मेक योर स्किन ग्लो एज अ वे टू मेक योर लाइफ स्टाइल बेटर और डिजीजेज दूर रखने के लिए आप फास्टिंग शुरू कैसे करें क्योंकि काफी लोगों ने वीडियो देखिए इंस्पायर तो हो गई ठीक है भाई फास्ट करना है काफी लोगों ने मुझे ऐसे लिख के बोले कि पर्स भी हम आपके साथ फास्ट करना चाहते हैं आपकी फास्टिंग के क्या क्या होनी चाहिए आप क्या क्या खाएं और ना खाएं फास्टिंग के पहले एंड बेसिकली क्या क्या होता है इन द फास्टिंग विंडो विच बेसिकली स्टार्ट इम्पैक्टिंग पहली बात तो अगेन आई एम ओवर स्टेट दिस वॉटर फास्ट में आप सिर्फ पानी पियेंगे और कुछ नहीं पीएंगे इफ़ यू सम ब्लैक कॉफी यू कैन हैव ब्लैक कॉफी अच्छा काफी लोग वाटर फास्ट में ग्रीन टी भी पीते हैं मैं कभी ग्रीन टी नहीं पीता बिकॉज मेरे ब्लड ग्रुप के हिसाब से अगर मैं खाली स्टमक में ग्रीन टी पी मेरे को ना उल्टी उल्टी आती है तो फिर वो फास्टिंग का एक्सपीरियंस बड़ा बुरा हो जाता है तो अगर आपको ग्रीन टी से कोई दिक्कत नहीं है आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं ओनली है व् लैक कॉफी वो भी मैं बहुत ज्यादा नहीं पीता हूँ एक जो दूसरी चीज मैं आपको बिफोर आई टेल्यू बट वट टूट आई वो टेल्यू काफी लोग सोचते हैं कि आप फास्टिंग के दौरान आप पानी पीते रहो पानी पीते रहो दट कैन बी स्लाइटली रिस्की बिकॉज आप बहुत ज्यादा अगर पानी पीते हैं आपने कुछ खाया ही नहीं है आपकी बॉडी उस पानी के को फ्लैश आउट तो करेगी साथ में बहुत सारा सोडियम भी जाएगा नाउ वेन योर सोडियम लेवल स्टार्ट क्रैशिंग फिर आपको हेड एक्स होंगे फिर आपको ऐसा लगेगा आपका यू नो यू नॉट फीलिंग गुड योर फीलिंग टायर्ड तो काफी लोग जो फास्टिंग नहीं कर पाते नहीं कर पाते, पाते हैं मेरे को हेड एक हो जाएंगे मैं थक जाऊँगा शक्ति नहीं होगी अगर आपको काम पे जाना है सो द व थिंग यू शुड डू इज़ हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर बट डोंट गो मेंटल ड्रिंकिंग टू मच वॉटर वेन यूर फास्टिंग राइट ओके तो है जो नहीं करना है लेट्स टॉक अबाउट वॉट यू शूड बी डूइंग बिफोर अ फास्ट नाशली वॉट रिल है फास्टिंग आपकी बॉडी इज गोइंग इन टू स्टेट आपकी जो स्टोर्ड चर्बी है हम ऐसे समय में आ गए जो आपकी बॉडी को ना वाइम नहीं मिलता कि जो स्टोर्ड फैट है उसको यूज करने की कोशिश करें सो वॉट यू नीड टू डू इज वन यू स्टार्ट योर फास्ट जैसे अब मैंने डिसाइड करे एक दिन का फास्ट करना है ट्वेंटी फोर आवर्स कुछ नहीं खाया जब भी आपका ट्वेंटी फोर आवर का ब्रेक होता है मैं एक घंटे के लगाना चाहता हूँ बहुत आसान होता है अगर आपने फास्टिंग कभी नहीं की है दिस इज वॉट यू नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं काफी स्पोर्ट ड्रिंक्स में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जिम जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स पीते हैं बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम पोटेशियम इन सारी चीजों को इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं आपकी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन uh, को रेगुलेट करती हैं दे गिव यू लार्ज एनर्जी 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 हेल्प ब्रेक डाउन फूड डज ऑल ऑफ दैट अगर आपके इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स हाई हैं आपको ना हेड एक होगा ना कुछ गड़बड़ होगा तो सबसे पहले आप फास्टिंग शुरू करने के जो एकदम पहले जो मतलब जो लास्ट चीज पियोगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वॉट यू डू इज आप एक ग्लास पानी में आप हल्का सा काला नमक डालिए ना यू कैन पुट एनी अर नमको बट आई से नमक जनरली बिकॉज इट रॉक सॉल्ट उसका मिनरल कॉन्टेंट हल्का सा अलग होता है ना वो अलग बात है आप जितना रॉक सॉल्ट यूज करो बहुत कम लोग ट्रेस अमाउंट है पर उस ट्रेस अमाउंट में भी थोड़ा बहुत इट्स काला नमक इज ऑल्सो लो इन सोडियम आपको ब्लोटी नहीं होगी

द प्रॉब्लम इज आपकी बॉडी को जो एनर्जी मिली है जो जो आप चीजें डाल रहे हो दैट्स बी ऑल द बैड कार्बोहाइड्रेट्स इट्स बी ऑल द बैड फैट विच यू रेली डोंट वॉन्ट फो वेजिटेरियंस आप फास्ट शुरू करने के एक दिन पहले थोड़ी प्रेपरेशन कर दीजिए उस दिन जंक फूड बिल्कुल मत खाइए इफ यू स्मोक डोंट स्मोक ट्राई एंड स्टे हेल्थियर इफ यू ड्रिंक एल्कोहल डोंट हैव हैल्कोहोल बिकॉज यू वॉन्ट यू बॉडी टू बी इन अ गुड स्टेट आप सैल्ड्स खाइए सब्जियां खाइए फ्रूट खाइए पर फ्रूट कम खाइए एंड आई टेल यू वाई खाना क्या क्या है इफ योर इफ योर यो समूच नॉन वजिटेरियन नॉट लीन प्रोटीन इज इनक्रेडिबल तो अगर आप चिकन खा रहे हैं एग्स खा रहे हैं फिश खा रहे हैं दैट्स अगर आप शाकाहारी हैं तो आप कोई घास फूस फूल पत्ता कुछ खा लीजिए नॉट फूल लाइक आप कुछ भी खाना खा लीजिए डोंट हैव अ हाई फैट प्रोटीन

वन थिंग यू शिली डू बिफोर यू स्टार्ट योर फास्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर आपके कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी लिमिटेड है बिकॉज वाई आप जब फास्टिंग करते हैं पहले बारह घंटे में आपकी बॉडी क्या करती है पहले बारह घंटे में आपके जितने भी बॉडी का जो इंसुलिन है ग्लाइकोजिन है जो आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स है आपका बॉडी उस चीज को एज एन एनर्जी सोर्स यूज कर रही है तो वो नहीं जो आपने जब खाना खाया है आपका पेट उस टाइम पर बड़ा लगता है उसको बोलता है फूड फैट वो फैट नहीं है वो खाना जो वॉल्यूम है वो है तो आप पहले बारह घंटे में आपने जो जो खाना खाया है वो चीज निकाल रहे। तो अगर आपने बहुत ज्यादा फ्रूट्स खा लिए हैं कार्बोहाइड्रेट्स खा लिया राइस खा लिया पास्ता खा लिया जो भी खा लिए फिर आपकी बॉडी इज वर्किंग एक्स्ट्रा हार्ड टू गेट द कार्बोहाइड्रेट्स अवे तो प्रेफरेबली आपका जो लास्ट मील होना चाहिए फास्टिंग शुरू होने के छह सात घंटे पहले दैट शुड बी अ वेरी प्रोटीन रिच मील एंड लेट्स कीटो समू हाई फैट मील बट लेट्स नॉट गेर टू दैट राइट दूसरी चीज आपको करनी चाहिए आफ्टर द फर्स्ट ट्वेल्व आवर्स वॉट्स योडी पहले 12 घंटा में आपके बॉडी ने ग्लाइकोजिन इंसुलिन वो सारे रिजर्व यूज कर लिए उसके बाद 12 घंटे के बाद योर बॉडी गोज इन टू समिंग फैट बर्निंग मोड विच पीपल ऑल्सो कॉल कीटोसिस बट कीटोसिस आपकी बॉडी में इतना जल्दी होता नहीं है बट कीटोसिस का मतलब ये है योर योर बॉडी यूजिंग फैट एज फ्यूल मतलब जितनी चर्बी है आपकी बॉडी आपने जो पिज्जा खाया फल खाया जो भी खाया उसको यूज करी थी कीटोस योर बॉडी सेज ओ यू हैव सो मच चर्बी लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस एज फ्यूल राइट सो कीटोसिस और कीटोन स्टार्ट कमिंग इन टॉडी मे बी अबाउट लाइक ट्वेल्व आवर्स बट योर बॉडी स्टार्ट बिकमिंग अ फैट बर्निंग मशीन बारह घंटे के बाद 24 घंटे के बाद योर बॉडी अ टोन ऑफ ऑटोफोजी मैंने आपको ऑटोफोजी के बारे में पिछले वीडियो में समझाया था अच्छे ओटोफोजी का मतलब ऑटोफोजी ऑटो auto, खुद फैजी मतलब खाना तो आपकी बॉडी अपने आप के बुरे सेल्स को खाने लग जाती इस है इट सा कंज्यूमिंगउ कैनेबलिस्टिक मतलब वो अपने आप को खा रहे वो उसका मतलब नहीं है काफी लोग जो बोलते हैं फास्टिंग वजह से आपको अल्जाइमज नहीं होता है आपको बहुत सारा कैंसर नहीं होता है बहुत सारी डिजीज नहीं होती वो इसलिए होती है बिकॉज आपकी बॉडी जो बुरे सेल्स हैं उनको एज एनर्जी सोर्स यूज करने लग जाती है तो 24 घंटे में आपको जो बेनिफिट्स में तो बहुत अच्छे हैं तो काफी लोग जो बोलते मैं तीन दिन का फास्ट नहीं कर सकता फाइन इवन इफ यू डू अ 24 फोर आर फास्ट अ वीक इट्स सो गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज आपकी बहुत सारी बीमारियां और डिजीजे चली जाएंगे आफ्टर द ट्वेंटी फोर आवर विंडो वन यू रनिंग इन टू द नेक्स्ट वन यू रन टू थर्टी सिक्स आवर विंडो देन समथिंग देथिंग इंटरव्यू स्टार्टिंग मैंने आपको कल ग्रोथ हार्मोन के बारे में बताया था ग्रोथ हार्मोन बेसिकली वो हार्मोन होता है जो आपकी मांसपेशियां बढ़ाता है जो आपको यंग रखता है uh, काफी एक्टर्स मॉडल्स ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन क्यों लेते हैं पहले पहले ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन एक्चुअली दिए जाते थे काफी लोग जो एचआईवी के पेशेंट्स थे एड्स के पेशेंट्स बिकॉज तो तो ग्रोथ हार्मोन इसलिए दिया जाता है आपको एचआई वो सब हो गया तो आपका जो मसल टिश्यू है वो डिजेरेट हो तो जाता है जो ग्रोथ हार्मोन है दैट तो कीप्स योर मास्पेश इंटैक्ट रियलाइज ये बड़ा अच्छा भी है तुमको यंग भी रखता है ऐसे भी अच्छा है वैसे भी अच्छा है एथलीट स्टार्ट है हो जीएच लेवल आपका जितना ज्यादा हाई है आपकी फैट बर्निंग कपैसिटी उतनी ज्यादा हाई है ये कब होता है ये बेसिकली स्टार्ट हैपिंग इन थर्टी आवर्स फास्ट आपने थर्टी सिक्स आवर ने क्या खाया कुछ नहीं खाया सिर्फ आपने पानी पिया है और राइट मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं अगर आप ये वीडियो देख के बहुत अच्छा मैंने बीच में थोड़ी सी चाय पी ली थी थोड़ी सी ये कोई फ्रूट खा लिया था थोड़ा ये पी लिया था वो पी लिया था नारियल पानी पी लिया था कुछ भी पी लिया था फिर आप इस स्टेट में कभी नहीं जाओगे बिकॉज मैंने बोलने की बात भी कल बहुत बार बोलने की बार भी, फिर बहुत लोग मैंने पूछा क्या मैं जिंजर वॉटर पी सकता हूँ क्या मैं सौंफ का पानी पी सकता हूँ क्या मैं आप किसी का पानी नहीं पी सकते आप सिर्फ पानी पी सकते हो और इट वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड लेस इज नो 36 सिक्स में लेवल 72 टू पॉइंट आपकी बॉडी को एक्चुअली मिल जाता है मतलब पॉइंट नाउ काफी लोगों का सवाल मेरे से फास्टिंग के बारे में ये भी कि आप जो तो फास्टिंग करते हैं आपका मसल लॉस होता है या नहीं होता बॉडी वेरी इंटेलिजेंट मशीन इट रिलीज ओके आपकी बॉडी को अगर मसल को बर्न करना है इट कंजर्व इट इट टेक्स मोर एनर्जी राइट आपकी बॉडी को जो खाना नहीं मिल रहा your body is in crisis mode. It's thinking, तो है यो बॉडीज इन क्राइसिस मोड इज थैंक भाई आपको खाना नहीं मिल रहा अब क्या करें पर हमको एनर्जी चाहिए तो आपकी बॉडी क्या करेगी मसल नहीं बर्न करेगी बिकॉज इट टेक्स मोर एनर्जी सो इट्स गोन बर्न द फैट सो अलॉ पीपलू से मसल लॉस होता है दैट्स एक्चुअली नॉट नॉट ट्रू ऑल फॉर द फर्स्ट सेवेंटी टू आर्स बट तीन दिन के बाद आपकी बॉडी में जो इफेक्ट्स होते हैं ये अच्छे वाले इफेक्ट उसके बाद उसका कोई बहुत ज्यादा भयंकर फर्क नहीं पड़ता तो अगर आप तीन दिन का फास्ट करें उसके बाद ने चार पाँच छह दिन का फास्ट कर दिया उसके बाद आपका फैट लॉस होता रहेगा ऑफकोर्स जो बॉडी के जो हेल्थ बेनिफिट है वो तीन दिन के बाद रुक जाते हैं तो ओके इज्सो तो तीन दिन के बाद थोड़ा सा ना इशू भी हो जाता है करने में बड़ी दिक्कत विक्कत होती है एक जो दूसरा सवाल मुझे काफी लोग पूछते हैं कि यार हम तो लेकिन काम पे जाते हैं ऑफिस जाना होता है ये जाना होता है वो जो मैं काफी बार फास्टिंग तब करता हूँ जब मैं बहुत बिजी रहता हूँ खाना एज अ हैबिट यू डोंट नीड सो मच वो डो हमारा जो मेंटल वो है ना कि कह मेरे को अब चूल मछली मैंने कुछ खाना है मेरे को क्रेविंग हो रही है इट्स ऑल ऑफ दैट। सो लॉड ऑफ पीपल वर्क। आई गो ऑन शूट्स। शूट डॉन ट्रेवल शोज। आई बी ब्रेवलिंग द वर्ल्ड एंड आई बी फास्टिंग राइट आपकी एनर्जी लेवल एक्चुअली स्टार्ट गोइंग अप तो आपने पहले पहले अगर आप अगर आपको लगता है कि एनर्जी लेवल लो है पहले आप आठ घंटे का फास्ट करो दस घंटे का फास्ट करो बारह सोलह अठारह बीस स्टार्ट बिल्डिंग आपके कपैसे तो काफी लोग जो बोलते हैं अगर हम काम पे जाते हैं हमसे फास्टिंग नहीं होती बहुत एक्चुअली आसान होता है आप जितने ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो मुश्किल तब होता है अगर आप घर पर बैठे आप कुछ करने के लिए नहीं फिर कुछ बंदा बोरिंग में जब बोर होता है आपको खाने के बारे में है सोचते हैं राइट वॉट आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो क्या क्या खाना चाहिए क्या क्या नहीं खाना चाहिए प्लीज डोंट हैव स्वीट डिजर्स वो। अगर आपने चॉकलेट, आइसक्रीम और ब्राउनी खा ली उसमें इतना ज्यादा ग्लाइकोजन और शुगर है और आपकी बॉडी फास्टिंग स्टेट में पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा इट हैज टू यूज अप सो मच ऑफ द एंड द शुगर राइट सो डोंट डू दैट

Uh, questions to you. I hope your fat loss journey is incredible. are fasting, kar rahe hai, it's also a very spiritual state of being. You'll be in a calmer state of mind. My third day of fasting, my I very because your, your, your body also starts getting into this sort of chill mode, so it's a very nice frame of mind to be in. I hope you enjoy this fasting journey with me. And uh, likh And I hope you lose a lot of weight, get healthy, get your skin to glow. And the best part is, like I said. बिल्कुल फ्री है ना कुछ खरीदने की जरूरत है ना कहीं जाने की जरूरत है घर पर बैठो चिल करो एन कथी बिल्कुल हाई तो बहुत